बाबर, हमारी कोचिंग पैनल से ही कुछ अरसे कबल एक बात हुई थी कि हमारे पास चैंपियन प्लेयर्स तो बहुत हैं मगर चैंपियन टीम नहीं है। एक कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने ये बात की थी, तो ये ज़रा अहमियत होती है इसकी। तो हम सब तो होपफुल हैं कि हम सब चैंपियन बनेगी पाकिस्तान टीम, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा देख रहे हैं? दूसरा जो है, आप सिलेक्शन पे बार बार आपसे सवाल ये हो रहा है कि आप एक और नए चेयरमैन आ गए हैं, तो काफ़ी जो माजी के प्लेयर्स हैं वो ये कहते रहे कि जब जब हम टीम से आउट हुए तो हम जक्का अशरफ के पास जाते थे और वो हमारी सिलेक्शन करवा देते थे, थोड़ी सी पॉलिटिकली बैक ली लिया करते थे। तो अब अगर चेयरमैन आते हैं और इस तरह की बातें होती हैं कि कोई प्लेयर अगर टीम से आउट है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो आपका क्या रोल होगा? और ये चेंजेस को आपके पीछे वन नेशन वन पैशन लिखा हुआ है, तो पूरी कौम बड़ी परेशान है, 7 महीने में तीसरा चेयरमैन आ गया, तो आप भी तो परेशान होंगे। देखें, मैं इन चीज़ों से परेशान नहीं होता। कोशिश करता हूँ कि इवन के टीम भी परेशान नहीं होती है, और उनको पता है कि मेरी बैक है, सिलेक्शन कमेटी की बैक होती है, और मेन चीज़ है कोचिंग स्टाफ की बैक होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और कोशिश करते हैं कि वही उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी तो मैं भी नहीं उनसे मिला, जाके मिलेंगे जब आएंगे। तो ये आप ही बता रहे हैं, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है कि अगर कोई ड्रॉप होता है तो वो उनके पास जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, इस पे मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। दूसरा क्या किया था? बिल्कुल, देखें, चैंपियन टीम भी है। जिस तरह हमने दो फाइनल, एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, एक एशिया कप का फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश नहीं कर पाए। वो हमारे उसमें बैक ऑफ द माइंड है कि हम इसको क्यों नहीं फिनिश करें। हम बैठ के बात भी करते हैं प्लेयर्स के, प्लेयर्स आपस में भी बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ भी बात करता है। तो इसको इंशाल्लाह जल्दी ही ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आप ही कहेंगे कि ये चैंपियन टीम है। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। आवामी शिकायत पर बोल ने किया मुतालिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी साथ खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।